हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज हम बात करेंगे पासपोर्ट फीस। पासपोर्ट की फीस क्या है तत्काल की। देखो, अभी मैं जो बताऊंगा आपको पासपोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, पहले हम जाएंगे वहां पर, और वहां पर आता है एक ऑप्शन पासपोर्ट फीस कैलकुलेटर। वहां से हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। और मेरे पास, मैं अभी लैपटॉप में अपने चालू करता हूँ क्रोम, और यहां से जाकर पूरा आपको फी बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग तत्काल पासपोर्ट की फीस बताते हैं 2,000, कोई 2,500। भाई इतना नहीं है, अभी एक्चुअल रेट क्या है ये बहुत पहले रहा होगा 2,000 रुपए, लेकिन अभी नहीं है तत्काल फीस। तत्काल फीस काफी इंक्रीमेंट हो गया है। और 36 पेज का कितना लगता है, और कितने पेज का अगर आप बनवाते हैं पासपोर्ट तो कितने रुपए लगता है, नॉर्मल पासपोर्ट का कितना लगता है, सब कुछ फीस को कैलकुलेट करेंगे। और सीधे मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं आप, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन खोल के रखा हुआ है, और कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन करने के बाद आपको डायरेक्ट सर्च करना है पासपोर्ट। पासपोर्ट सर्च करना है आपको, एंड उसके बाद एंटर कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला वाला लिंक जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है, इसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, ये जो हमारा पासपोर्ट का है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो हमारे पासपोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। और जैसा कि देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ये हमारी पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। और यहाँ से अब हमें चेक करना है कि हमारे पासपोर्ट का फीस कैलकुलेशन करना है, कि नॉर्मल पासपोर्ट या फिर तत्काल पासपोर्ट का फीस कैलकुलेशन कैसे करें। और इसी वेबसाइट पर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो फिलहाल यहीं पर अगर आप आएंगे तो ये आप ड्रॉप डाउन करके, होम पेज में ही ड्रॉप डाउन करके नीचे आइए, नीचे आइए, और यहाँ पर देखिए, ये आप देख सकते हैं फीस कैलकुलेटर। ये देखिए, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि भाई फीस कैलकुलेटर क्या है और कितने रुपए फीस कैलकुलेटर में लग रहे हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि फीस कैलकुलेटर का यहाँ पर ये ऑप्शन है, जैसे कि मैंने जूम आउट किया था, और फिलहाल मैं जूम इन इसको कर देता हूँ और थोड़ा सा जूम आउट और कर लेते हैं। और यहाँ पर ये है फीस कैलकुलेटर, और सिंपली आपको फीस कैलकुलेटर के ऊपर, फी कैलकुलेटर के ऊपर ही क्लिक कर देना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है, सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप एंड टाइप ऑफ सर्विसेज एप्लीकेशन इज। और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें किस चीज का हमें फीस चेक करना है, ये पासपोर्ट का या PCC पुलिस सर्टिफिकेट क्लियरेंस का, मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का चेक करना है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो हम सिंपली पासपोर्ट का चेक करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ सर्विसेज, किस टाइप की सर्विसेज का आपका चेक करना है, फ्रेश पासपोर्ट का चेक करना है या री इश्यू का। तो सबसे पहले हम फ्रेश पासपोर्ट का मैं चेक करके आपको फीस बताता हूँ। और फिर से एप्लीकेशन की एज, मतलब उसकी एज डाल देंगे, तो यहाँ पर 18 ईयर से एबव की है। और उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस, आप कितने पेज का जो पासपोर्ट अपना मंगाना चाहते हैं उसका, तो 36 पेज का चेक करते हैं। और रिक्वायर्ड स्कीम नॉर्मल पासपोर्ट में हम रखते हैं इसको, कैलकुलेट फीस करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट रखते हैं, फ्रेश पासपोर्ट, तो उसकी फी है 1,500 रुपए, जो कि नॉर्मल है। अभी हम इसकी 36 पेज से बढ़ाकर 60 पेज करते हैं और इसका कैलकुलेशन करते हैं कितने रुपए का है। तो ये देख सकते हैं आपकी इसका 2,000 रुपए, अगर आप 60 पेज का पासपोर्ट लेते हैं तो उसका 2,000 रुपए चार्ज है। अब इसको हम 60 पेज का 30 पेज पर करते हैं, और इसका हम तत्काल रेट चेक करते हैं भाई, अगर हम तत्काल में फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो कितना लगेगा, कैलकुलेट फीस करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं 3,500 रुपए। और मैंने YouTube पर बहुत सारे लोगों को देखा भाई, करंटली वो लोग बना रहे हैं कि भाई 2,000 रुपए में आपका तत्काल फीस देने के बाद आपका पासपोर्ट का, मतलब आप फी इतना ही लगेगा तत्काल में फ्रेश पासपोर्ट का, तो ऐसा नहीं है भाई। देख सकते हैं आप, जैसा कि मैं देख के बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल जो रेट है भाई, ये पासपोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर मैं चेक कर रहा हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि उतना ही प्राइस आ रहा है भाई, 3,500 रुपए हो गया, 2,000 नहीं। अब अगर आप 36 पेज का लेते हैं फ्रेश पासपोर्ट नॉर्मल कैटेगरी में, मतलब तत्काल कैटेगरी में, तो उसका 3,500 रुपए है। अब हम तत्काल में चेक करते हैं 60 पेज का, तो अब देखते हैं भाई कितना फीस इसका आता है, तो भाई 4,000 रुपए, 500 रुपए और बढ़ गया। मतलब कि अगर आप 60 पेज का पासपोर्ट लेते हैं तत्काल कैटेगरी में, तत्काल बनवाते हैं, तब 4,000 फीस आपको पे करना पड़ेगा। ये रहा फ्रेश पासपोर्ट के लिए। और यहां पर अभी हम चेंज करते हैं, अगर आप तत्काल में लेते हैं तो ये 36 पेज का, जैसे कि मैंने आप बताया था, कैलकुलेट फीस करेंगे तो ये 3,500 रुपए, और तत्काल में 36 पेज का 3,500 एंड 60 पेज का 4,000 रुपए, 500 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं। और फिर हम ऊपर जाएंगे, फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और री इश्यू पासपोर्ट हम चेक करेंगे कि भाई हमारा पासपोर्ट तो ऑलरेडी बना हुआ है बहुत पहले का, और हमें दोबारा पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, चाहे पासपोर्ट खो गया है, चाहे गुम हो गया, कुछ भी। तो यहाँ पर 18 ईयर से अगर आपकी एज ऊपर है तो यहाँ पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर री इश्यू क्यों करवा रहे हैं, वैलिडिटी एक्सपायर होगी आपके पासपोर्ट की, या फिर आपका पासपोर्ट ECR कैटेगरी का है, उसी ECNR में चेंज करना है, या फिर आपका पासपोर्ट खो गया है, डैमेज हो गया है, तो हम चेक करते हैं पहले वैलिडिटी एक्सपायर्ड का कितना
क्या रेट है। तो 36 पेज में और नॉर्मल कैटेगरी में हम चेक करते हैं, और नॉर्मल कैटेगरी में इसका रेट है 1500 रुपए। और यहाँ पर अब तत्काल कैटेगरी में चेक कर लेते हैं, तत्काल कैटेगरी में इसका फीस देखते हैं भाई कितना है, 3500 रुपए। अगर री इश्यू पासपोर्ट आप करवाते हैं, पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, तो उसकी फीस है 3500 रुपए, जो कि आपने नॉर्मल पासपोर्ट फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें तो उतना ही तत्काल का लग रहा था 3500। 36 पेज का और लगता है 60 पेज का भी 4000 रुपए इसमें होगा। अब ये वैलिडिटी एक्सपायर यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ लॉस्ट एंड डैमेज के ऊपर भी चेक कर लेते हैं कि हमारा पासपोर्ट खो गया है। हैज योर पासपोर्ट एक्सपायर्ड, तो लिख देते हैं नो, क्योंकि हमारा पासपोर्ट खो गया है। और अभी नॉर्मल कैटेगरी में हम चेक करते हैं, अगर पासपोर्ट हमारा चोरी हो गया है तो यहाँ पर 3000 रुपये आपका फीस लगेगा। जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, सभी लोग अलग अलग रेट बताते हैं, बट ये पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है और यही रेट है एक्चुअल में। अगर आपका पासपोर्ट खो गया है और आप नॉर्मल कैटेगरी से ही पासपोर्ट बनवा रहे हैं और वो 36 पेज का है, तो वहां पर आपकी फीस 3000 रुपये लगेगी। और अगर आप इसको तत्काल में करवाना चाहते हैं, जल्दी पाना चाहते हैं, तो कैलकुलेट फी करेंगे तो इसका रेट हो सकता है कि बढ़ जाए, जैसा देख सकते हैं 5000 रुपये। मतलब पासपोर्ट चोरी हो गया है, खो गया है, तो अगर आप तत्काल में बनवा रहे हैं तो उसका 5000 रुपए जो है ऑफिशियल चार्ज है, बाकी जो अप्लाई करेगा 200-300 रुपए वो भी रखेगा ही। और यहाँ पर चेक करते हैं कि अगर आपका पासपोर्ट खोया और आपकी एज 15 से 18 साल के बीच में, तब तत्काल कैटेगरी में कितना लगेगा, 5000 रुपए तब भी लगेगा, कोई फर्क नहीं है। फिलहाल हम इसको 15 से उतना ही रखते हैं, 18 ईयर्स से एबो का, और लॉस डैमेज वाला के हटा कर अभी हम डिलीट ईसीआर टू चेंज पर्सनल डिटेल में कुछ चेंज कर रहे हैं, तो उसको हम नॉर्मल कैटेगरी में चेक करते हैं, नॉर्मल में जाएंगे एंड कैलकुलेट फी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका फीस है 1500 रुपये, मतलब ज़्यादा नहीं है, मतलब खो जाने पर बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। और इसका फीस अगर 1500 रुपये ऐसे है, तो अगर तत्काल में अगर हम इसका चेक करेंगे तो तत्काल में मान के चलो भाई कि थोड़ा सा फीस बढ़ जाएगी, कितना बढ़ रहा है वो भी देख लेते हैं, 3500 रुपये जो कि नॉर्मल है। अभी तत्काल का 3500 रुपये ले रहे हैं लोग, और 4000 रुपये जो है आपका मतलब कि 60 पेज का ले रहे हैं। 36 पेज का तत्काल में कर रहे हो तो 3500 रुपये, और अगर आप 60 पेज का तत्काल में कर रहे हो तो उसका 4000 रुपये। तो ये भाई रहा, और आज मैंने आपको सारी डिटेल बता दी कि पासपोर्ट में अगर आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर री इश्यू करवा रहे हो तो फीस कितना लगेगा, या फिर अगर आपकी एज 18 से देखो अगर लेस देन 15 इयर्स, 15 साल से एज कम है, री इश्यू नहीं फ्रेश पासपोर्ट बनवा रहे हो तो उसकी फीस मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल कैटेगरी में 15 साल से एज अगर कम है तो तब आपका 1000 रुपये। देखो अगर जिसकी एज 15 साल से कम है, छोटे बच्चे हैं, उनका पासपोर्ट का फीस जो है 1000 रुपये लगेगा नॉर्मल कैटेगरी में। और अगर वो तत्काल बनवाते हैं तो उनका फीस देख लो भाई कितना लगेगा, लाइव प्रैक्टिकल आपके सामने चल रहा है, 3000 रुपये। अगर उनकी एज 15 साल से कम है, तत्काल में बनवा रहे हैं, तो उनका 3000 रुपये लगेगा चार्ज। फिलहाल फ्रेश पासपोर्ट रीइश्यू हम बच्चों का चेक कर लेते हैं, छोटे बच्चे जो हैं, और उनका वैलिडिटी एक्सपायर नहीं, पासपोर्ट खो गया है। और यहाँ से नंबर आप बुकलेट हम ले लेते हैं 36 पेज का, एंड तत्काल को हटा के हम नॉर्मल कैटेगरी डाल देते हैं, और यहाँ कैलकुलेट फीस करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 3000 रुपये है, अगर पासपोर्ट 15 साल से कम का बच्चा है, अगर उसका भी पासपोर्ट खो गया है और दोबारा उसको पासपोर्ट या 36 पेज का नॉर्मल कैटेगरी में, तो उसका भी चार्ज 3000 होगा। उम्मीद है कि आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट जाकर मेरे कमेंट सेक्शन में आप वहां से कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके ऊपर यहां से मैं पूरा प्रैक्टिकल देखकर बताऊंगा आपको कि हाँ आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्या इसका प्रोसीजर है, A to Z। चाहे आपको पासपोर्ट नया फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना हो, चाहे आपको री इश्यू हो, या फिर आपको नाम चेंज करवाना हो, तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड और प्रैक्टिकल वीडियो मैं बनाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, और इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। उम्मीद है कि आपको सब कुछ एवरीथिंग सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही।